टस की लड़की थोड़ी ना लीड कर सकती है। रिजेक्शन एक बहुत बड़े शो में से, चलते शो में से आपको निकाल देना भी होता है। उन्हीं को दिखाने के लिए मुझ में वो जिद और ज़्यादा पैदा हो। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीइंग कि आपको खुद पे भरोसा रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बट लास्ट मिनट पे ये रिजेक्ट कर दिया बोल के कि हमें कोई रिच लुकिंग गोरी लड़की चाहिए। हाय, दिस इज गुलकी जोशी एंड यू आर वॉचिंग फर्स्ट इंडिया टेली। सो गुलकी, वेलकम टू फर्स्ट इंडिया टेली। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये बताइए, शो को इतना प्यार मिल रहा है, आपकी इतना प्यार मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। ये बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग फीलिंग है। आई थिंक ऑनेस्टली अभी भी मुझे यकीन नहीं होता कि अच्छा इतना प्यार एंड लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है। क्योंकि जब शो शुरू हुआ था तो ये हम सब के लिए, एज अ टीम, फॉर द एक्टर्स, फॉर द राइटर्स, फॉर द मेकर्स, हम सब के लिए एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था। क्योंकि इस तरह का शो आया नहीं है। पहले जो FIR आया है, ऑफकोर्स जिससे रिलेटेड सारे सवाल मुझसे पूछे जाते हैं, FIR बहुत कम्प्लीटली आउट एंड आउट कॉमेडी शो था। मैडम सर वॉज ऑलवेज अ शो जो ना कम्प्लीटली कॉमेडी है, ना कम्प्लीटली ड्रामा है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द शो वॉज दैट इट ऑलवेज हैज़ अ मॉरल ऑफ द स्टोरी। हर कहानी सोशल इशू से रिलेटेड होती है, हर कहानी स्ट्रेंथ के बारे में बात करती है, कारज के बारे में बात करती है, ऑनेस्टी के बारे में बात करती है। तो वो बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था कि वो चलेगा नहीं चलेगा, बट इस तरह से उसका वर्क करना इज़ जस्ट grateful, very grateful. पर हम आपके दोनों शेड देख सकते हैं, लेकिन अगर गुलकी से पूछा कि आप कौन सा शेड ज्यादा एंजॉय करती हैं? I think हसीना मलिक और उर्मिला महादेव मात्रे दोनों ही गुलकी की दो पर्सनालिटीज हैं। ऑफ कोर्स मेरी पर्सनालिटी थोड़ी सी उर्मिला की तरफ ज्यादा है। मैं ज्यादा मस्तिखोर हूँ, मैं ज्यादा ऐसी झिंटक टाइप्स हूँ। बट हसीना मलिक इज द समझदार साइड ऑफ मी। तो जब हमने शो शुरू किया था तो हसीना मलिक प्ले करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि एक लाउड इंसान को खुद को समेट कर शांत संभ्रांत फिर भी एक्सप्रेसिव प्ले करना इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट। एटलीस्ट आई फेल्ट कि वो थोड़ा सा मुश्किल था, पर वो कर लिया। और जब कर लिया तो मुझे हसीना मलिक से प्यार हो गया। हसीना मलिक के बाद जब उर्मिला आई, उसके दौरान बीच में 400 एपिसोड्स का गैप था, तो तब तक कहीं ना कहीं मैं खुद हसीना मलिक बन चुकी थी। फिर वो सब भुलाकर, वो सब साइड में करके वापस उर्मिला बनना, विच इज़ गोइंग बैक टू माई ओरिजिनल पर्सनैलिटी, वॉज एक्चुअली अ लॉट मोर डिफिकल्ट देन आई थॉट। मुझे लगा था कि यार क्या, मैं तो ऐसी ही हूँ। पर वो एक बीच का रास्ता कि नहीं, वो ना हसीना मलिक है ना वो गुलकी है, वो कुछ नया है, वो करना थोड़ा सा मुश्किल था। बट मुझे दोनों से बहुत प्यार है। आई मीन हर सिचुएशन में आई थिंक मैं शायद अब सोचूंगी कि हसीना मलिक होगी तो क्या करेगी और उर्मिला होगी तो क्या करेगी, और फिर सही डिसीजन लूंगी। लोगों ने बहुत प्यार दिया। बहुत बड़ी बात है जब बच्चे मुझे आकर बोलते हैं कि हमें आपको देखकर पुलिस बनना है, एक्टर नहीं पुलिस बनना है, तो आई थिंक वो बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। उसके बाद जब उर्मिला आई तो वो इतना ज़्यादा अलग और इतना ज़्यादा डिफरेंट था दैट पीपल इमिजिएटली फेल इन लव विद दैट। और बट आई थिंक नाउ आई एम गेटिंग मिक्स्ड रिव्यूज़। आधे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं वी वॉन्ट हसीना मलिक बैक, और आधे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं उर्मिला में ही ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे दोनों से प्यार है, मुझे ऑडियंस से प्यार है, मैं एक्टर हूँ, मुझे जो बोलोगे मैं कर दूंगी। तो उर्मिला की एग्जिट होने वाली है, आई थिंक उर्मिला से मैंने ये सीखा है कि हर प्रॉब्लम का एक फनी सोल्यूशन हो सकता है। लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली और बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। खुश रहकर, रिलैक्स रहकर, ईजी रहकर और मज़े करके भी आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से सुलझ सकते हैं। उर्मिला को मैं बहुत मिस करूंगी इनफैक्ट। बट उसके बावजूद भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ दैट हसीना इज कमिंग बैक। आई थिंक अब 2-2.5 महीने उर्मिला करके मुझे लग रहा है कि नहीं नहीं अब तजुर्बा कहता है हमारा। आई एम मिसिंग दैट, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। जब हम लाइफ की बात करते हैं, क्योंकि हमने आपकी जर्नी देखी है, कम रियली लॉन्ग वे। अच्छा, इतनी बड़ी हो गई हूँ क्या मैं? मुझे नहीं लगता अभी तक। बट अगर बात की जाए, फर्स्ट आपका जो एक कैमरा अपीयरेंस होगा, वहां से लेकर अगर आप यहां तक की बात करें, किस शब्दों में डिस्क्राइब करना चाहेंगे अपनी जर्नी को?
एपिफनी एंड इक्विलिब्रियम. एपिफनी का मतलब होता है अचानक से किसी एक बात का या किसी एक सच का या एक किसी एहसास की अनुभूति होना, कि अचानक से आपको समझ में आया कि नहीं, मेहनत ज़रूरी है. आप चाहे किसी के भी बेटे हों, आप चाहे कितना ही लक आपका साथ दे, चाहे कुछ भी हो, उस वक्त उस मोमेंट पर पहुंचकर मेहनत करना बहुत ज़रूरी है. ये एक थॉट है, ये कॉन्सेप्ट है. तो आई थिंक मेरी जर्नी जो है हैज़ बीन फुल ऑफ एपिफनीज एंड इक्विलिब्रियम. एपिफनी की बहुत सारी चीज़ें याद अचानक से रियलाइज़ होती है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बींग कि आपको खुद पे भरोसा रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे, अच्छा लोग अच्छे बोलेंगे, बुरी बातें भी होंगी, बहुत सारे लोग अननेसेसरी आपको चढ़ाने की कोशिश भी करेंगे, बहुत सारे लोग उतारने की भी कोशिश करेंगे, बट आपको अपना फोकस पकड़ के चलना है और उसमें बैलेंस रहना है. इक्विलिब्रियम, कमिंग बैक टू दैट. तो चीज़ें ऐसे ऐसे रियलाइज़ होती है, अच्छा ये भी होता है, अच्छा ऐसे भी होता है, अच्छा ये भी कर सकते हैं, ऐसे बात करनी चाहिए, ऐसे बिहेव करना चाहिए, ये लुक टेस्ट, ये ऑडिशन, ये प्रोडक्शन हाउस, ये को एक्टर, ब्ला 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 ब्ला, उस सब के बीच में आपको अपना इक्विलिब्रियम, अपना संतुलन ढूंढना है. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट माय जर्नी हैज बीन सो फार. ऐसे पट 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 कुछ होता है एंड देन हैव टू कम बैक एंड काम डाउन. हम अप्स एंड डाउन्स हर किसी के लाइफ में होता है और एक रिजेक्शन चीज होती है जिससे हम आपसे जानना चाहेंगे. आई थिंक किसी को भी, आई मीन मैं अपनी फील्ड के बारे में बोलूँगी, स्पेशली फॉर एक्टर्स, एक्टिंग सीखने से पहले आपको रिजेक्शन से डील होना, डील कैसे करते हैं ये सीखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत होता है, वो बहुत होता है, वो कदम कदम पर होता है, वो कैमरा के सामने भी होता है. मतलब रिजेक्शन एक बहुत बड़े शो में से, चलते शो में से आपको निकाल देना भी होता है, और एक रिजेक्शन जो आपके कैमरा मैन है, अगर आपको एक पिंपल आया हुआ है और वो पिंपल देखकर अगर वो बोले लाओ यार फिल्टर, लाओ फिल्टर लगाओ, वो भी एक रिजेक्शन होता है. तो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, रिजेक्शन रिजेक्शन है एंड इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. नो, कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है. रिजेक्शन से डील करना आपको सीखना पड़ेगा. जितनी जल्दी आप सीख लोगे आप उतना आगे जाओगे. अगेन हैविंग सेड दैट, बहुत रिजेक्शन हुए. काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि मैं किसी शो के लिए ऑडिशन देकर आई हूँ, ऑडिशन अप्रूव हो गया है, सब हो गया है, बट लास्ट मिनट पे ये रिजेक्ट कर दिया बोल के कि हमें कोई रिच लुकिंग गोरी लड़की चाहिए. फिर आगे जाकर मेरा ही ऑडिशन उस गोरी लड़की को दिखाया जाता है कि हमें परफॉर्मेंस ऐसा चाहिए. तो ऐसे इस तरह की चीज़ें बहुत हुई है. अब मैं इस बारे में बहुत रिलैक्स होकर फनी तरीके से बोल सकती हूँ, बट उस वक्त इन चीज़ों से डील करना बहुत मुश्किल था. बहुत बार ऐसा भी होता है जब आपके खुद के क्लोज फ्रेंड्स, योर पेरेंट्स, फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स ऑल्सो टेल यू कि ठीक है ना, करके देख ले, नहीं हो रहा छोड़, कुछ और कर ले, पढ़ लिख ले, कोई और नौकरी कर ले, कुछ और कर ले. बट जिसमें वो जितनी ज़्यादा, आई एम सॉरी कोई शब्द नहीं है मेरे पास, जिसमें जितनी ज़्यादा खुजली होती है, भूख तो फिर भी मिट जाती है, खुजली नहीं मिटती है. तो जिसमें जितनी ज़्यादा वो इच होती है ना कि नहीं और, नहीं और, नो आई कैन डू बेटर, नॉट बेटर इन टर्म्स ऑफ बिगर बैनर और मोर मनी और मोर, नो नो दैट्स नॉट द क्राइटेरिया फॉर मी, अ बेटर रोल, अ बेटर चैलेंज, कि यार ये मेरे को करने में ना मेरे को बहुत डर लग रहा है, ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है. जितना आप ज़्यादा खुद को चैलेंज करते जाओगे उतना ज़्यादा यू प्रोग्रेस इन लाइफ. बट इवन इन ऑल दैट यू फेस रिजेक्शंस एवरी टाइम, जस्ट डील विद इट एंड मूव ऑन. हर के लाइफ में एक ऐसा होता है कि आगे बढ़ते हुए बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है. व्हाट इज दैट थिंग इन योर लाइफ? स्लीप एंड सोशल लाइफ. I think these are the two things that I am now compromising on. I'm not unhappy about it. मैं खुश हूँ उस चीज़ को लेकर, क्योंकि unfortunately मुझे माँ बाप बहुत अंडरस्टैंडिंग मिले हैं, मेरे दोस्त बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं, वो बेचारे आ जाते हैं नायगांव मुझसे मिलने. सो ऑफकोर्स स्लीप सैक्रीफाइस होती है और सोशल लाइफ सैक्रीफाइस होती है, बट उस बात का मुझे कोई मलाल नहीं है, बिकॉज ज़िंदगी में कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं मिलती. अगर आपको कुछ करना है, कुछ हासिल करना है, तो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा. यू गेट सम, यू लूज सम. पढ़ते पर हमें एक मुल्की को देखते हैं जो किरदार निभा रही है. ऑफ कैमरा अगर बात की जाए, क्या ऐसी
चीज है जो आपको सुकून देती है? सामने मेरा बड़ा सा स्क्रीन या प्रोजेक्टर, साइड में एक कप मस्त गर्मा गर्म चाय और अच्छी सी कोई फिल्म. ओहो हो, दैट्स माई ड्रीम छुट्टी, दैट्स माई ड्रीम. हाँ ऑफकोर्स दोस्त हो, माँ बाप हो, सब लोग हो तो और भी अच्छा है, बट नहीं तो मैं भी बहुत खुश. और बस एक अच्छी सी कोई किताब भी हो कि पिक्चर देख ली, पिक्चर खत्म हो गई, थोड़ा सा एक नैप लेने का टाइम है, थोड़ा कुछ पढ़ लिया, थोड़ी देर 5-6-10-12 पेजेस पढ़ लिया और फिर पढ़ते पढ़ते सो गए. ओहो हो, ओहो हो, ब्यूटिफुल. Since you have come a long way, और शायद जो आपने एक सोचा होगा अपने करियर को लेकर या एक्टिंग चीज को लेकर, वहाँ आप पहुँच चुकी हैं. So, पीछे जिन लोगों ने आपको काफी कुछ कहा होगा या अब मैं बिलीव नहीं किया होगा, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच. I mean, of course, I'm very thankful for to the people who did believe in me. But मैं उनसे भी ज़्यादा thankful हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे शायद खींचने की कोशिश की, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हीं को दिखाने के लिए मुझ में वो ज़िद और ज़्यादा पैदा हुई कि अच्छा तुमने बोला था ना मैं नहीं कर सकती हूँ, रुको मैं करके बताती हूँ. तुम्हें लगा था ना कि नहीं नहीं मैं टीवी में कौन स्ट्रॉन्ग रोल करता है और डस की लड़की थोड़ी ना लीड कर सकती है, कांट बी द मेन कैरेक्टर ऑफ द शो. तुमने बोला था ना, अब तुम्हें दिखाने के लिए मैं करूँगी. सो आई थिंक उन लोगों की मैं और भी ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपकी मुझे इस वजह से मुझे वो एक्स्ट्रा पुश मिला. सो नाउ आई एम वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ द पीपल हु टेल मी बैड थिंग्स. हमने हाँ हाँ तेरा नाम मैं लिस्ट में डाली हूँ, तेरे को दिखाने के लिए अब मैं करूँगी. सो इट्स गुड. So, क्या कुछ कहना चाहेंगे व्यूअर्स को कि ये जो कैरेक्टर आप इस वक्त निभा रही हैं और क्या कुछ अमेजिंगली फैंस के लिए अवेटेड है? वेल, हसीना मलिक इज बैक. 10, 11 और 12 जनवरी एपिसोड्स टेलीकास्ट होने वाले हैं, उसमें हसीना मलिक इज ऑफिशियली कमिंग बैक विद अ बैंग. सो लुक फॉरवर्ड टू दैट. करीना इज कमिंग बैक, तो हसीना करिश्मा की कॉमरेडरी, उनका प्यार वापस आ गया है. एंड now the stories and the episodes are going to be bigger and better, a lot more action packed, a lot more drama, and of course a lot more comedy. So look forward to that. Thank you so much for all the love. Mwah.